जी की आज हम आपको ऐसे दो परिवारों से मिलाएंगे। मेरी राइट साइड में जो परिवार है जो मसीह है और अपना ठेकेदार, मसीहत में खुदा को अपना ठेकेदार समझते हैं, और मेरी उल्टी साइड में जो उल्टी दिशा में है ये परिवार है जो मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के भय में और प्रेम में आगे बढ़ते हैं। आगे का उदाहरण आपके सामने। पहले जो मसीह को अपना ठेकेदार समझते हैं, अरे मैंने आज तक जो चाहा वो सब किया है, अगर किसी के लिए मैंने दुआ कर दी ना ठीक हो जा तो वो ठीक हो गया। और पादरी साहब क्या मुझे नहीं जानते, मेरे सारे नाम से जानते हैं, मैंने चर्च में कितना चंदा दे रखा है, आज तक मेरा कोई काम नहीं हुआ। और डीएस साहब भी मुझे जानते क्योंकि मैंने डायसिस में बहुत पैसे दे रखे हैं, जो चाहा वो करा है, जिसके लिए दुआ कर दी आज तक कोई काम मेरा ऐसा नहीं हुआ जो पूरा ना हुआ। और माँ कैसी है? माँ ठीक हूँ। और बताओ क्या हाल है? पैसे देना? माँ पैसे देना सब जाने गाड़ी भी नहीं है। और वो दूसरा परिवार जो परमेश्वर के भय में और प्रेम में आगे बढ़ता है। हे खुदावर, तू हमारा भाई हो, करीब तो जाए हम पे दया कर खुदावर, हम पे वो धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें कुछ छोटा सा परिवार दिया है, तूने हम सबको सेहतमंद जिंदगी दी है। खुदावर हम बहुत करीब हैं खुदावर, तू हमारे हर एक जरूरत को पूरा कर। ये छोटी सी दुआ हम तेरे बेटे अपने खुदावर प्रभु यीशु के नाम से कर। मैंने तो अपने बच्चों के लिए 5 लाख देके एमबीबीएस में एडमिशन कराया है और अपने बेटे के लिए 10 लाख रुपए देके इंजीनियरिंग में एडमिशन दे दिया। मैंने तो क्या कुछ नहीं होता आज की जिंदगी में, सब कुछ होता है, सब कुछ मैं जो चाहती हूँ वो सब चुक हो जाता है। ए खुदा, मैं अपने बच्चों का एडमिशन कैसे करा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। खुदा इनकी जिंदगी को तू बना, खुदा तू बना, ये जो पेपर दे रहे खुदा तू इनको पेपरों में टॉप पोजीशन में लेकर आ खुदावर, तू हमें दुआ को सुन खुदावर। बच्चों आओ आओ आगे दुआ करो, खुदा खुदा से मांगो। जी माँ, माँ मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हर बात खुदा ने मेरे को दुख के लिए याद की, जबकि मेहनत हम इतनी करते हैं, ये थोड़ा बड़ा नहीं है? हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में आप खुदा के पास चली जाती है माँ। नहीं बेटा, खुदा से हमेशा दुआ करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी जो भी तुमने तैयार करा है वो अधूरा है। क्योंकि याद रखो बाइबल में क्या लिखा है, युद्ध के लिए घोड़ा तैयार तो है लेकिन जीत कहाँ से आती है? यहोवा की तरफ से आती है। हमेशा खुदा से दुआ करो और पेपरों में जाओ, खुदा का नाम लो और उसके बाद पेपर शुरू करना। खुदा तुम्हें आशीष दे। अरे रिजल्ट का क्या रहा? आपका लड़का हूँ, फेल तो होगा ही होगा। अरे माँ टेंशन की ले रही हो, अपनी पूरी ऐश है जब लगता है कि जेब में कैश है। माने आपसे कहा था ना, अपनी मैं से बाहर निकल, प्रभु से बह कर, उसे प्रेम में आगे बढ़। अभी भी वक्त है, आज से ही उस लोगों से प्रेम कर और उसकी बहन में आगे बढ़। सर मैंने प्रभु का ध्यान नहीं दिया, प्रभु को नहीं सुना जिंदगी में। देखो आज तो उसका रिजल्ट है, आज क्या होगा खुदा, क्या होगा? अरे वाह मेरा बच्चा, अच्छे मार्क्स लाए वैसे
बात को मानेंगे, हमें हर तरीके का ज्ञान है और हम हर तरीके की बातों को जानते हैं जो परमेश्वर में होंगे हैं, और अपने अहंकार में रहें तो हम थनाथवा पीतल और छन जना देवी जहाज है, और हम अपनी सारी संपत्ति अगर कंगालों को भी दे दें तब भी हमें अपनी जिंदगी से कोई लाभ नहीं होगा। आप सबको जय मसीह।